हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। वो है हाई यील्ड टॉपिक्स की सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग प्रीलिम्स 2023 के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमारी सीरीज के अंदर है वो ये है कि हमारा फोकस रिटेंशन पे होगा। देखो, इन्फॉर्मेशन पे बहुत वीडियोज़ हैं, लेकिन एक ऐसा वीडियो जो हेल्प करेगा रिटेंशन में, उस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। तो हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि जो सबसे बड़ी बात है भाई, सबसे पहली बात होती है क्लासरूम के अंदर आप कंटेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में आप मॉक्स लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन आप क्लासरूम और मॉक के अंदर ले रहे हैं उसको आपको रिटेन करना है। भाई ओपन बुक एग्ज़ाम तो है नहीं है, एग्ज़ाम तो क्लोज बुक ही है, तो आपको रिकॉल करना होगा पेपर में। तो उस पर फोकस करने के लिए हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। हाई यील्ड टॉपिक्स होंगे, जहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एरियाज को कवर करेंगे जो करंट और स्टैटिक दोनों से होंगे, ठीक है। तो मैं शुरुआत करूँगा आज फर्स्ट वीडियो का, जो 18/22 फॉर रिजर्व्स को कवर करेगा, ठीक है। हम लोग मेजरली लोकेशन पे बात करेंगे और उसे याद करेंगे क्लास में ही, मतलब यही याद कर लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ 22 फॉर रिजर्व, दिस इज द मैप। देखो, मैं आपको दो बातें बोलूँगा यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या प्रिपेयर करना है। देखो, यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स हैं, प्रिपरेशन के मल्टीपल लेवल्स हैं। लेवल वन पे जब आप याद करेंगे तो लेवल वन पे आपको एटलीस्ट 22 फॉर रिजर्व और कहाँ पे वो है, तो मतलब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि 22 फॉर रिजर्व और उसकी पर्टिकुलर लोकेशन, इतना पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट स्टेप ये होगा। सेकेंड स्टेप में वो लोकेशन जो आप होगी, वो पहले स्टेप में आप लोग जो करेंगे वो लोकेशन करेंगे स्टेट वाइज, और जो सेकेंड स्टेप में एग्जैक्ट लोकेशन पे देखेंगे, ठीक है। ये एग्जैक्ट लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी 22 फॉर रिजर्व में वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लेते हैं कि किसी में 22 फॉर रिजर्व से पूछा जाए ये सवाल कि वहां पे क्लाइमेट कैसा है, वहां पे वेजिटेशन कैसी है, वहां पे किस तरह के एनिमल मिलते हैं। इस तरह का अगर सवाल फंसता है और आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं पता लेकिन लोकेशन पता है, और आपको 22 फॉर रिजर्व की एग्जैक्ट लोकेशन भी पता है, और आपको इंडिया के क्लाइमेट का मैप भी क्लियर है, इंडिया के फॉरेस्ट का मैप भी क्लियर है, इंडिया के फ्लोरा और फोनो का मैप भी क्लियर है, तो आप लिंक कर सकते हो दोनों चीज़ों को और आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपसे कोई गैस करवाए कि कंचनजंगा के अंदर स्नो लियोपार्ड मिल सकता है, डेफिनेटली वहाँ पे इस बात के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे नंदा देवी के अंदर मस्क डियर मिल सकता है, डेफिनेटली इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होगी। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेड पैंडा, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि नंदा देवी मस्क डियर है वो हिली एरियाज में मिलता है, कोल्ड एरियाज में मिलता है, ठीक है। कंचनजंगा, ऑफकोर्स कंचनजंगा वही एक हिली एरिया आ जाता है, हिमालयन माउंटेन्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपके स्नो लियोपार्ड का मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है, ठीक है। तो लोकेशन वाइज आप गैस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो 22 रिजर्व्स होंगे वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने की संभावना ज़्यादा है। अगर मैं MP के 22 रिजर्व देखूंगा तो यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट लोकेशन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो आप लोग बहुत कुछ बता सकते हैं। मैं कहूँ कि पन्ना से केन रिवर पास हो रही है, तो मुझे ये तो नहीं पता था कि केन रिवर पन्ना से पता है, लेकिन मुझे अगर केन रिवर पता है कि केन रिवर समवेयर इस एरिया से है, और मुझे पता है कि उसी एरिया में समवेयर नदन जो एरिया है, नदन एरिया है, और नदन में भी ये ईस्ट की तरफ है MP के अंदर, तो वहाँ पे अगर पन्ना है तो मैं एग्जैक्टली लिंक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि मान लेते हैं कि केन रिवर जाती हो इधर से, कोई आदमी आपसे कहे कि यार चंबल रिवर पन्ना से गुजरती है क्या, आप कोई बोलेगा यार महामूर्ख हो गया कि भाई चंबल तो इधर से गुजरती है, पन्ना में कैसे गुजरेगी। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जैक्टली आपको लेवल वन पे सबसे पहले स्टेट वाइज याद रख लो, और लेवल टू पे एग्जैक्टली याद रखो, तो आप क्लाइमेट वहाँ पे कैसा है, वेजिटेशन वहाँ पे कैसा है, इंपॉर्टेंट एनिमल्स भी आप वहाँ पे थोड़ा बहुत गैस कर सकते हैं। वैसे हम डिस्कस भी करेंगे चीज़ों को, ठीक है, कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, कौन सी रिवर फ्लो नहीं हो रही वहाँ से, कौन सा नेशनल पार्क जा रहा है वहाँ से, कौन सा नहीं जा रहा है, ये एग्जैक्टली आप बता सकते हो क्योंकि आप वहाँ पे लिंक कर सकते हो। आपको नेशनल पार्क का मैप पता है, आपको रिवर मैप पता है, और आपको उस 22 रिजर्व की लोकेशन भी पता है, तो यू कैन इजीली कोरिलेट।
एलिमिनेट कर सकते हो कि यार ये रिवर तो यहाँ पे है और वो नेशनल पार्क वहाँ पे है, ये नहीं हो सकते एक साथ। तो इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान दे करके ज़्यादा सवालों को सॉल्व कर सकते हो प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, पढ़ाई शुरू करें। देखो सबसे पहली बात मैं करूँगा, मेरे साथ याद करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले ये हिमाचल है, तो हिमाचल के बॉर्डर पे मिलेगा कोल डेजर्ट, तो हिमाचल के बॉर्डर पे कोल डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद में दूसरे पे क्या है, नंदा देवी। दूसरे पे क्या है, नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है, कहाँ पे है नंदा देवी, उत्तराखंड में। तो हिमाचल, उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम में, और दिहांग दिमांग का है अरुणाचल प्रदेश में। तो एक एक करके याद करो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक याद करना होता है, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर पहले और दूसरे पे जाएंगे, समझ में रहे। जैसे मैं कहूँ कोल डेजर्ट, कोल डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पहला याद हो गया कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। अब वापस पढ़ो नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड। अब वापस जाओ कि कोल डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल, और नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड। कोल डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड। इस तरीके से दो बार करो। फिर तीसरे पे आते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम। अब वापस से तीनों पे जाओ कि कोल डेजर्ट हिमाचल, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। उसके बाद में चौथा आता है हमारे पास में दिहांग दिमांग, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है तो अब चारों को याद करेंगे। अब किसको याद करेंगे, चारों को। तो सबसे पहले हिमाचल में कोल डेजर्ट, हिमाचल में कोल डेजर्ट, उत्तराखंड में नंदा देवी, हिमाचल में कोल डेजर्ट, उत्तराखंड में नंदा देवी, कंचनजंगा सिक्किम में, दिहांग दिबांग किसमें होगा, अरुणाचल प्रदेश में। चारों याद हो गए। अब आते हैं हम लोग इसकी तरफ, आसाम में देखते हैं। तो आसाम में सबसे पहले मानस है और दिब्रू साइकोवा है, मानस है और दिब्रू साइकोवा है। तो अभी हम लोग को छः याद हो गए हैं। तो सबसे पहले हिमाचल के अंदर कौन है, हिमाचल में कोल डेजर्ट, ठीक है, उत्तराखंड में नंदा देवी, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम के अंदर है, और दिब्रू जो साइकोवा है वो तो आसाम के अंदर है, दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, मानस कहाँ है, आसाम के अंदर है, दिब्रू साइकोवा भी किस में अंदर है, आसाम के अंदर है, ठीक है, और नौकरेक कहाँ है, मेघालय में। नौकरेक कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। तो इतना कवर हो गया, दैट एरिया वी हैव कवर। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, एक बार फिर से इसको बंद करके, इसको मैं एक बार बंद कर लेता हूँ, स्लाइड दूसरी लगा लेता हूँ, बंद करके वापस रिवाइज करते हैं। तो कोल डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल, और ये नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड, दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, दिब्रू साइकोवा और मानस कहाँ है, आसाम में, नौकरेक कहाँ है, मेघालय में। वेरी गुड। नेक्स्ट, रन ऑफ कच्छ, ये कोई बता देगा, रन ऑफ कच्छ कहाँ होगा, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले हम बात करेंगे सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा में। फिर से रिवाइज करो, शाबाश, फिर से इसको रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हिमाचल में क्या है, हिमाचल में क्या है बताओ, हिमाचल में है कोल डेजर्ट, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आसाम में क्या है, दिब्रू साइकोवा एंड मानस। मेघालय में क्या है, नौकरेक। मेघालय में क्या है, नौकरेक। रण ऑफ कच्छ में क्या है, रण ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में। रण ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में। और मैंने क्या बताया था, सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ बताया था, वेस्ट बंगाल में। सिमलीपाल कहाँ बताया है, उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ बताया है, उड़ीसा में। तो अब ये कितने हो गए हैं, अगर मैं फिंगर टिप पे काउंट करता हूँ तो कोल डेजर्ट एक, नंदा देवी दो, दिहांग दिबांग तीन, मानस चार, दिब्रू साइकोवा पाँच, नौकरेक छः, सिमलीपाल सात, सुंदरबन आठ, और रण ऑफ कच्छ नौ। तो नाइन याद हो गए, नाइन बचे, ठीक है, शाबाश। अब आता है ये वाला एरिया। तो तीन है, पन्ना पंचमणि, पन्ना पंचमणि, अचनाकमर, अमरकंटक। तो ये एमपी में है, पन्ना पंचमणि, पन्ना पंचमणि, अचनाकमर, अमरकंटक, ठीक है। तो अभी कितने हो गए, एट एंड थ्री, नाइन एंड थ्री, ट्वेल्व, ठीक है। तो वापस करो, फिर से शुरू करते हैं, वापस फिर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने किया था हिमाचल, हिमाचल में कौन था, कोल डेजर्ट, हिमाचल में कौन था, कोल डेजर्ट। और नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। दिहांग दिबांग कहाँ है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में दिब्रू साइकोवा और मानस कहाँ थे, असम के अंदर थे, ठीक है। नौकरेक कहाँ था, मेघालय के अंदर था। रण ऑफ कच्छ कहाँ है, रण ऑफ कच्छ है गुजरात में। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर। पंचमणि, पन्ना और अचनाकमर, अमरकंटक कहाँ है, एमपी के अंदर, ठीक है। अचनाकमर, अमरकंटक एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है एक्चुअली, ठीक है। और अभी आता है हमारे
बचे हैं 12th हो गए हैं, तो अभी कौन कौन बचे हैं, ये सेशलम, नीलगिरी, तो अभी यहाँ पे बचे हैं, बचे हुए क्या हैं, सेशलम कहाँ है, आंध्रा, सेशलम आंध्रा, नीलगिरी सबको पता है, नीलगिरी ट्राई जंक्शन पे है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, अगस्तमलाई अगेन द बॉर्डर ऑफ द तमिलनाडु एंड द केरला, गल्फ ऑफ मन्नार तो तमिलनाडु में ही है, और ग्रेट निकोबार इट्स अगेन द बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये हो गया हमारा सेशलम, नीलगिरी, अगस्तमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार। तो वापस से पूरा करेंगे, अभी वापस से पूरा करेंगे, रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा, यहाँ पे मेरे साथ सब बच्चे एक साथ रिवाइज करेंगे, एक साथ रिवाइज करेंगे सब बच्चे, ठीक है। सबसे पहले ये इंडिया का हम लोग मैप बना रहे हैं भैया, ये इंडिया का मैप बना रहे हैं, एक बार सही से बना देता हूँ कि ये हम लोग इंडिया का मैप बना रहे हैं। थोड़ा मेरे को इतना अच्छा मैप बनाना नहीं आता, बट टेक इट लाइक ए स्मॉल मैप। सो सबसे पहले यहाँ पर है, सबसे पहले मेरे साथ शुरू करेंगे सब बच्चे मेरे साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ में है ये कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट के बाद, कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल में, ठीक है। उसके बाद में उत्तराखंड के अंदर क्या है, उत्तराखंड के अंदर क्या है बता सकते हो आप लोग, उत्तराखंड के अंदर है नंदा देवी, दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, दिब्रू साइकोवा एंड मानस, दिस इज मानस, दिस इज दिब्रू साइकोवा, दिब्रू साइकोवा एंड मानस इन आसाम, एंड देन वी हैव मेघालय में क्या है हमारे पास में नौकरिक। तो इतना खत्म होता है यहाँ पे। उसके बाद में रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ किस में आ गया, गुजरात में। उसके बाद में हमने देखा था सुंदरवन, सुंदरवन इन द वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। उसके बाद में हमने एमपी में तीन देखे थे, एमपी में हमने तीन देखे थे, देखो बीच के एरिया में था पंचमणी, और टॉप पे नदन एरिया में कहीं पे था पन्ना, और उसके बाद में इधर छत्तीसगढ़ एमपी बॉर्डर पे था अचनाकमर अमरकंटक, ठीक है, इतना हो गया था। उसके बाद में आंध्रा में था सेशलम, आंध्रा में क्या था, सेशलम, यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन है, ठीक है, केरला का, तमिलनाडु और कर्नाटका का, वहाँ पे है नीलगिरी, नीलगिरी के बाद में यहाँ पे है अगस्तमलाई, नीलगिरी के बाद में क्या है, अगस्तमलाई, अगस्तमलाई कहाँ है, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, नीलगिरी ट्राई जंक्शन पे है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद में गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, और लास्ट में जो बचता है वो बचता है ग्रेट निकोबार, लास्ट में जो बचता है वो क्या बचता है, ग्रेट निकोबार, ठीक है। इस तरीके से जब तक याद रहो तब तक आपको करना है, वो मांझी फिल्म का डायलॉग पता है ना आपको, ठीक है, तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस बार प्रीलिम्स जब तक फोड़ते नहीं है तब तक छोड़ते नहीं, तो वो स्प्रिट के साथ में आपको, उस एनर्जी के साथ में आपको करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये पूरी मैपिंग बता दी है मैंने, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजोंगा, मानस, दिब्रू साइकोवा, दिहांग दिबांग, नौकरेक, सुंदरबन, सिमलीपाल, पन्ना, पंचमणी, कच्छ, अचनाकमर अमरकंटक, सिमलीपाल, सेशलम, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्तमलाई, ग्रेट निकोबार, वी हैव डन। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनिमल्स देखेंगे, यहाँ का क्लाइमेट तो देखो पता चल जाएगा, क्लाइमेट आराम से पता चलेगा, ऊपर कोल्ड क्लाइमेट है, यहाँ पे थोड़ा रेगिस्तान वाला क्लाइमेट रहेगा, यहाँ ड्राई डेसिडुअस क्लाइमेट रहेगा, तो क्लाइमेट का गैस आसान है, बट कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल मिलते हैं यहाँ पे वो हमें देखना होगा। देखो IUCN एक रेड डेटा बुक निकालती है जो कि इस तरीके से होती है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम क्रिटिकल एंडेंजर्ड को बोलते हैं, ये तो तक एक्सटिंक्ट ही हो चुके हैं तो इनकी बात क्या करें, लेकिन क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, तो ये सबसे थ्रेटनिंग कैटेगरी है, और डेटा नॉट इवेल्युएटेड, डेटा डेफिशिएंट इज अदर कैटेगरीज, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं जो जो बोलूंगा वो याद रखना है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, देखो नीलगिरी थार पूछेगा, अरे नहीं भाई, अगर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नीलगिरी थार नहीं पूछेगा, नाम से पता चल रहा है, क्या पूछेगा, लायन टेल मकाऊ। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में या साउथ इंडिया में लायन टेल मकाऊ को याद रखना है, और क्या है इसका IUCN स्टेटस, एंडेंजर्ड, क्या है इसका IUCN स्टेटस, एंडेंजर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नीलगिरी लंगूर भी नहीं पूछेगा पता है, ठीक है, तो याद रखना। और ये मालाबार जायंट स्क्वेल पूछ सकता है, लेकिन आपको पता है कि मालाबार को समवेयर इन द सदर्न इंडिया, तो आप आराम से गैस कर सकते हो उसको, ठीक है। तो लायन टेल मकाऊ इन एंडेंजर्ड, इतना याद रखना है आपको, लायन टेल मकाऊ एंडेंजर्ड। इसके बाद में नंदा देवी इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी कहाँ था बताओ, नंदा देवी उत्तराखंड में, तो यहाँ पे स्नो लियोपर्ड मिलेगा जो कि वल्नरेबल है, और मस्क डियर एंडेंजर्ड है, तो मस्क डियर पूछ चुका है पहले ही एग्जाम में, मस्क डियर कहाँ मिलता है, तो अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ऑप्शन में था,
तो ये भी उत्तराखंड में है, अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ नोट कर लो इसको। तो स्नो लियोपार्ड वल्नरेबल है, मस्क डियर एंडेंजर्ड है, गल्फ ऑफ मन्नार इंपॉर्टेंट है डुगोंग के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डुगोंग के लिए। और ऑलिव रिली टर्टल्स, ये आपको पता होगा कि गहीर माथा बीचेस उड़ीसा बीच पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बट इधर भी ओलिव रिडली, जो ओलिव रिडली टर्टल्स मिलते हैं, बट इंपॉर्टेंट डुगोंग के लिए है, डुगोंग इधर सी काउ वल्नरेबल है। तो मेरे साथ फिर से रिवाइज करो यहीं पे ही कि ग्रेट निकोबार पे क्या मिलेगा, ग्रेट निकोबार पे क्या मिलता है बताओ, ग्रेट निकोबार नहीं है, नीलगिरी पे, ग्रेट निकोबार पे भी हम आएंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, है ना, जैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स वहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो इस तरह के एनिमल्स मिलते हैं, तो वहाँ पे भी हम आएंगे। तो नीलगिरी पे आते हैं, तो नीलगिरी में सबसे पहले क्या बताया था मैंने, लाइन टेल्ड मकाऊ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नीलगिरी पे लाइन टेल्ड मकाऊ, ठीक है। नंदा देवी में क्या बताया था, मस्क डियर एंड द स्नो लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड वल्नरेबल है, मस्क डियर एंडेंजर्ड है, लाइन टेल्ड मकाऊ भी एंडेंजर्ड है, ठीक है। और तीसरा हम लोग कहाँ पहुँच गए थे उस लिस्ट में, नीलगिरी की बात किए थे हम लोग, उसके बाद में हम लोगों ने ये जो दूसरे नंबर पे बात की थी, नंदा देवी की बात की थी, गल्फ ऑफ मन्नार की बात की थी, वहाँ पे मैंने बताया डुगोंग, डुगोंग इसे सी काउ और ये क्या है, वल्नरेबल है, क्योंकि इसे सी काउ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या कहती है, वेजिटेरियन है ये, सी ग्रास पे ये अपने अपने फूड के लिए डिपेंड होती है। अगला बात करेंगे नॉकरेक, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो रेड पैंडा इंपॉर्टेंट है, रेड पैंडा और हुलोक गिबोन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रेड पैंडा आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, रेड पैंडा, तो रेड पैंडा इज एंडेंजर्ड, हुलोक गिबोन इज एंडेंजर्ड। सुंदरबन इंपॉर्टेंट फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर्स, और अदर अनदर थिंग इज द मैंग्रूव्स, मैंग्रूव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुंदरबन इज द ओनली थिंग जो मैंग्रूव्स, वो ओनली मैंग्रूव्स हैं वर्ल्ड में जहाँ पे टाइगर्स है, ठीक है। इंडिया इज द होम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड, तो वो ये सब भी मैं बताते रहूँगा, बाकी हम इस पर अदर लेक्चर्स भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मानस, मानस में सबसे पहले अगर मैं प्रिपेयर करूँगा तो पिग्मी होग, पिग्मी होग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बंगाल फ्लोरिकॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल फ्लोरिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड है, पिग्मी होग पहले क्रिटिकल एंडेंजर्ड था पर अभी वो एंडेंजर्ड है। फिर से शुरू हो जाओ वापस से शुरू करते हैं, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, हम सिर्फ इस टेबल को इसको छुपा लेते हैं एक बार, शाबाश फटाफट। नीलगिरी पे कौन सा जानवर मिलता है, लाइन टेल्ड मकाऊ। नंदा देवी में क्या मिलता है, नंदा देवी में बताओ क्या मिलता है, नंदा देवी में मस्क डियर है वहाँ पर, और दूसरा एनिमल क्या बताया था, स्नो लियोपार्ड बताया था। गल्फ ऑफ मन्नार डुगोंग, नॉकरेक में क्या बताया था, नॉकरेक में जो मेजर बताया था वो बताया था हुलोक गिबोन रेड पैंडा हुलोक गिबोन, सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स, मानस में बताऊंगा तो पिग्मी होग गोल्डन लंगूर, पिग्मी होग गोल्डन लंगूर, ठीक है। तो गोल्डन लंगूर भी एंडेंजर्ड है, पिग्मी होग भी एंडेंजर्ड है, बंगाल फ्लोरिकॉन क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ठीक है। उसका सिमलीपाल में अगर हम देखें तो ये चीज़ को याद रख लो यार, एक तो इंडियन बिसोन पूरा जा सकते हैं, उसको गोर बोलते हैं, वल्नरेबल है, और चोसिंगा है, ठीक है, ये एंटीलोप है, ये हिरन होता है, और ये भी क्या है, वल्नरेबल है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइगर मिलते हैं और एलिफेंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। दिहांग दिबांग क्या है, रेड पैंडा इज इंपॉर्टेंट इन दिहांग दिबांग, तो रेड पैंडा अप्रोक्सीमेटली देखो नॉर्थ ईस्ट में मिलता ही है, तो रेड पैंडा अगर मानस में भी होगा तब भी ये सही जाएगा, मतलब सो इतना आप इनकरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और पंचमणि में देखें तो लगभग सारे वही टाइगर गोर अभी पढ़ाई है हमने, इंडियन बिसोन जो कि वल्नरेबल है, तो ये तीनों एक ही जगह है ना, पंचमणि और अचना कमर, ये देखो सब जगह सेम, चोरासिंगा वाइल्ड डॉग्स, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट एनिमल्स नहीं है पर चोरासिंगा पूछ सकता है, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप्स, ठीक है। तो फिर से बार रिवाइज कर लेते हैं नीलगिरी में लाइन टेल मकाऊ जो कि क्या है, एंडेंजर्ड है, नंदा देवी के अंदर क्या है, स्नो लियोपार्ड है जो वल्नरेबल है, मस्क डियर एंडेंजर्ड है, गल्फ ऑफ मन्नार में डुगोंग वल्नरेबल है, और नॉकरेक में क्या है, रेड पैंडा एंडेंजर्ड है, हुलोक गिबोन भी एंडेंजर्ड है, सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स अगेन एंडेंजर्ड है, मानस के अंदर आ जाएगा आपका गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड है, पिग्मी होग एंडेंजर्ड है, बंगाल फ्लोरिकॉन एंडेंजर्ड है, ठीक है। दिहांग दिबांग सिमलीपाल में आप मैंने बताया ये पुराने हैं, टाइगर तो पढ़ी लिया आपने, एंडेंजर्ड है, एलिफेंट भी एंडेंजर्ड है, टाइगर एलिफेंट दोनों एंडेंजर्ड हैं, और जो गोर है, गोर किस में है, जो गोर या इंडियन बिसोन है वल्नरेबल है, और आपका चोसिंगा जो है चार सींग, मतलब चोसिंगा मतलब चार सींग, तो वो भी क्या है, वल्नरेबल है।
ठीक है, पंचमणि, अगेन वही टाइगर मिलेंगे यहाँ पे, गोर मिलेगा, ठीक है, इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्वायल है, ठीक है, लीस्ट कंसर्न है, इतनी इंपॉर्टेंट एनिमल नहीं है। रन ऑफ कच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रन ऑफ कच में वाइल्ड एस इंपॉर्टेंट है, तो जो वाइल्ड एस है, नियर थ्रेटन है, वो रन ऑफ कच में मिलता है। गेट इंडियन बस्टर्ड तो आपको पता है राजस्थान में मिलता है ये, तो राजस्थान का कौन सा नेशनल पार्क इसके लिए इंपॉर्टेंट है? डेजर्ट नेशनल पार्क इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे स्नो लियोपार्ड बता ही दिया, हो सकता है हिमालयन आईबैक्स, ठीक है, हिमालयन आईबैक्स ये लीस्ट कंसर्न है, पता भी ऐसा ही भी हो जाएगा क्योंकि हिमालयन के आसपास मिल रहा है, तो हिमालयन आईबैक्स हो गया। कंचनजंगा रेड पैंडा, मैंने बताया रेड पैंडा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में है ही है, ठीक है, स्नो लियोपार्ड, मस्क डियर है ना, और ग्रेट तिब्बतन शीप, ठीक है, ये मिल जाएंगे उधर। अगस्त मलाई में नीलगिरी थार आराम से पता कर सकते हो क्योंकि उसी एरिया में है ये कहीं ना कहीं। ग्रेट निकोबार में डुगोंग है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। दिब्रू साइकोवा, अगेन दिब्रू साइकोवा में गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन वैसे पूरी गंगा के स्ट्रेच में ही अवेलेबल है पर उधर भी अवेलेबल है। और ये क्लाउडेड लियोपार्ड, हाँ याद रखा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्लाउडेड लियोपार्ड भी है, ठीक है, और बंगाल टाइगर, ठीक है, आपको क्लाउडेड लियोपार्ड नॉकरेक में भी मिल जाएगा, ठीक है। सेशलम में वही रेड सैंडर्स, रेड सैंडर्स इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है, स्टार लगा लो रेड सैंडर पे, ये नियर थ्रेटन है। गोल्डन गेको, छिपकली होसी होती है, तो ये भी क्या है, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। पन्ना के अंदर वही टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांभर, तो जो भी डेसीडुअस के जो एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। अब सही से बताऊँ तो अगर आप थोड़ा सा, अगर आपकी लोकेशंस क्लियर है ना तो आपको इतनी दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। अगर मैं, मुझसे कोई पूछे तो मैं आराम से गैस कर सकता हूँ कि यहाँ पे मोस्टली ड्राई ड्राई डेसीडुअस के एनिमल मिलेंगे, यहाँ पे जनरली चीतल, चिंकारा, हिरन, शेर, और क्या बोलते हैं, हाथी, इस तरह के एनिमल्स मिलेंगे यहाँ पे, आराम से पता कर सकते हो। रेड पैंडा इस तरफ, रेड पैंडा इस तरफ, गोल्डन लंगूर इस तरफ, तो इस तरह के मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। रेड पैंडा, देखो रेड पैंडा, पैंडा, गोल्डन लंगूर, पिग्मी होग, क्लाउडेड लियोपार्ड, ये इस तरफ, इस तरफ यहाँ होगा, यहाँ पे बेसिकली लाइन टेल्ड मकाऊ, लाइन टेल्ड मकाऊ इस एरिया में, फिर डुगोंग आ जाता है, यहाँ पे भी क्या आ जाता है, डुगोंग आ जाता है, यहाँ पे वाइल्ड एस, वाइल्ड एस, गेट इंडियन बस्टर्ड। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ गेट इंडियन बस्टर्ड का जो आयुसन स्टेटस है वो क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। यहीं अगेन सिमलीपाल है, सुंदरबन है, सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर, सिमलीपाल में वही एलिफेंट्स होंगे, सिमलीपाल में वही तुम्हारे पास में टाइगर्स होंगे, दीज काइंड ऑफ एनिमल्स आर अवेलेबल हियर, ठीक है। तो ये हमारी एक हाइल्ड सीरीज है। थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँ तो नीलगिरी, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले हमने घोषित किया इसे 1986 में, ठीक है, ये तीन स्टेट्स में आता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। लाइन टेल मकाऊ मैंने पहले ही बता दिया, लाइन टेल मकाऊ मैंने पहले ही बता दिया। अब नीलगिरी में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क आएंगे, इसको जब डिटेल से करेंगे, जब हम नेशनल पार्क वाली सीरीज करेंगे, ठीक है, नेशनल पार्क वाली सीरीज करेंगे तब हम इसको गेट डिटेल से करेंगे, ठीक है। नंदादेवी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, और ये यहाँ पे ऋषिगंगा रिवर फ्लो होती है, तो ये भी बता दिया, ऋषिगंगा रिवर फ्लो हो रही है। और याद रखो ये लेटेस्ट जो यूनेस्को की साइट में इंक्लूड हुआ है ना, वो पन्ना है, पन्ना से जो रिवर जाती है वो केन रिवर है, याद रखना, ठीक है। नॉकरेक आपको बताया मैंने, ये मेघालय में है, और रेड पैंडा इंपॉर्टेंट एनिमल है, हिलो गिबोन्स भी हैं। ग्रेट निकोबार में बता दिया आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं वो क्या है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में गल्फ ऑफ मन्नार में डुगोंग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एनिमल्स। सुंदरबन के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर्स ही है, मैंग्रोव्स हैं। मानस के अंदर बताया, बताओ कौन कौन से एनिमल बताए मानस के अंदर, पिग्मी होग बताया, गोल्डन लंगूर बताया, बंगाल फ्लोरिकॉन बताया, ठीक है, बंगाल फ्लोरिकॉन बताया। सिमलीपाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं वो कौन कौन से बताए थे, सिमलीपाल के अंदर मैंने यही बताया कि बेसिकली यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, एलिफेंट, ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है, तो बंगाल टाइगर, क्या बोलते हैं, एशियन एलिफेंट्स, और आपके पास में बिसोन है, ठीक है, बिसोन है और चोसिंगा है, ठीक है, बिसोन है और चोसिंगा है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट बताए। एक बार वापस से ये टेबल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप बार बार से रिवाइज करो, बार बार इसे आप रिवाइज को याद रखना, बिसोन और चोसिंगा दोनों वल्नरेबल हैं, ठीक है, दोनों ही क्या हैं, वल्नरेबल हैं, ठीक है। सिमलीपाल डिस्कस हो गया, दिब्रू साइकोवा, दिब्रू साइकोवा में वही जो एनिमल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, देखो दिब्रू साइकोवा कहाँ है, आसाम के अंदर है, तो आसाम वाले एनिमल ज़्यादा होंगे यहाँ पे, रेड पैंडा होगा एंडेंजर्ड है, यानी रेड पैंडा एंडेंजर्ड है, ये भी आपको याद रखना होगा। बाबर उस एरिया को आप देखना तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें याद होंगी। गोल्डन लंगूर है ना, दिहांग दिमांग आसाम के अंदर ही है, तो यहाँ पे फ्लाइंग स्क्रेल्स मिलती हैं,
ठीक है, और मस्क डियर बताया, रेड पैंडा बताया, ठीक है यहाँ पे पंचमणि मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, और कंचनजंगा आपको पता ही है ये सिक्किम के अंदर है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्नो लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड के लिए वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगस्त मलाई बाईस पर रिजर्व्स में कौन कौन आता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे हम लोग इसको जब हम नेशनल पार्क वाइज जो को कवर करेंगे, ठीक है। वैसे देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जानने के लिए, लेकिन मैं जानबूझ के उतना इसको इतना लॉन्ग नहीं लेके जा रहा हूँ, बिकॉज दैट विल क्रिएट द ह्यूज स्टफ। बट मैं ये आपसे कहूँगा कि आप लोकेशन एटलीस्ट याद रखिए, और लोकेशन याद रखने के बाद में लिंक कर दीजिए जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये एग्जाम्पल लीजिए कि ये वाला जो एग्जाम्पल था अगस्त मलाई वाला एग्जाम्पल था, आपको पता होगा कि शोला फॉरेस्ट है ना वो साउथर्न इंडिया में मिलते हैं, और आपको पता होगा कि मोस्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है ना वो केरला के अंदर शोला से शुरू होते हैं, तो वहाँ पे आप आराम से गैस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कनीकरन ट्राइब्स, अगर आपको पता हो ना कनीकरन ट्राइब्स उस एरिया में मिलती है, तो आप लिंक कर सकते हो कि हाँ अगस्त मलाई में वो अवेलेबल होगी, तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा चीज़ों को कवर कर सकते हैं, स्लाइड्स हम लोग आपके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है, और इस तरीके से आपको पूरा याद रखना होगा। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लोकेशन वाइज याद रखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन याद रखना संभव नहीं है, ठीक है। मैं मोस्ट रिफाइंड कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर से मैं एक बात बताऊँगा कि आपको करना क्या है। देखो आपको लोकेशन वाइज इसको प्रिपेयर करना है, लोकेशन वाइज आपको इसको प्रिपेयर करना है, और लोकेशन वाइज प्रिपेयर करने के बाद में इंपॉर्टेंट एनिमल्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो UPSC ने ज़्यादा फोकस है ना यहाँ पे ही किया है, और फिर थोड़ा एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है, कई बार होगा कुछ स्टेटमेंट पता होने चाहिए कुछ नहीं होने चाहिए, आपका आंसर निकल के आ जाता है, उस थोड़ी बहुत रेसिपी से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इधर उधर की लगा लग के आप आंसर निकाल सकते हो, आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टफ पे बहुत एनर्जी नहीं लगा सकते। अगले सेशन में हम लोग कुछ अदर हाई यील्डिंग टॉपिक्स को लाने की कोशिश करेंगे, जो कि हिस्ट्री से भी होंगे, एनवायरनमेंट से भी होंगे। मैं इसी सीरीज में आगे नेशनल पार्क करूंगा, मैं इसी सीरीज में आगे फिर टाइगर रिजर्व्स करूंगा, इस तरह की सीरीजेस भी आगे मैं करूंगा। अभी इस क्लास के लिए इतना ही है ना, और आई बिलीव कि आप लोग को याद कैसे करना है वो समझ में आएगा, कि आपको बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा, तो आपको चीज़ें याद होना शुरू होंगी और आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।